चुनाव जीतने के बाद एक पक्ष द्वारा गांव में जुलूस निकालने के दौरान गाली देने के बाद दोनों पक्षों में खूब चले ईंट पत्थर, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ऑनलाइन भारत से सत्यनारायण चौरसिया, गोरखपुर ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों के साथ ही कुछ स्थानों से हंगामे, बवाल और हिंसा की खबरें आ रही हैं। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। उत्साही भीड़ ने चंगाहा थाना क्षेत्र की नई बाजार पुलिस चौकी पर हंगामा बोलकर वहां आग लगा दी। इसके साथ ही पीएसी के एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुर ब्लॉक के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 60 व 61 में जिला पंचायत सदस्य का प्रमाण पत्र देने में धांधली के आरोप पर बवाल शुरू हुआ। बुधवार शाम सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने ये आरोप लगाते हुए ब्लॉक मुख्यालय और सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क जाम करने वालों का यह आरोप था कि धांधली करके दो वार्ड के लोगों को हरा दिया गया है। आरोप था कि प्रशासन ने हारे हुए लोगों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। ग्रामीणों ने डीएम को मौके पर बुलाने और वास्तव में जीत हासिल करने वाले को प्रमाण पत्र देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मांग की पूरे मामले की जांच कराकर धांधली करने वालों को जेल भेज दिया। ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम और बवाल की सूचना पर चौरी चौरा के एसडीएम पवन कुमार, सीओ कुलदीप तिवारी, झंगाहा थानेदार संजय कुमार मिश्रा, बरही, गोपडौर व नई बाजार की चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। अफसरों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण जिद पर अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप था कि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 60 से रवि प्रसाद निषाद और 61 से कुदई निषाद जीते थे लेकिन उन दोनों को जीत का प्रमाण पत्र न देकर हारे हुए गोपाल यादव और रमेश को दे दिया गया। ग्रामीण वहां से चलकर शाम 4 बजे नई बाजार चौराहे पर आ गए। उन्होंने चौराहे से लेकर नई बाजार पुलिस चौकी तक जाम लगा दिया। इसी बीच एक एटीएम में पैसा डालने वाली गाड़ी पहुंची तो ग्रामीणों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में गाड़ी का शीशा टूट गया। इसके बाद एटीएम कैश वैन को वहां से भागना पड़ा। भीड़ ने नई बाजार पुलिस चौकी में घुसकर आग लगा दी। पुलिस चौकी में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। सूचना पर रामगढ़ताल पुलिस, पिपराइच, वखोराबार सहित कई थानों की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वह लोगों को समझाने में जुट गए। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी के अनुसार जो तस्वीरें दिख रही हैं वो भयावह हैं। जिन लोगों ने यह किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन लोगों से वसूली की जाएगी। हार के बाद हिंसा की कोई जगह नहीं है, आरोपियों की संपत्ति पेच कर वसूली की जाएगी। ऑनलाइन भारत से सत्यनारायण चौरसिया, गोरखपुर ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जहां एक ओर कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा है तो वहीं शासन और प्रशासन ने अति आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर सभी तरह की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। यहां तक लोगों के घर से बाहर बेवजह निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बर्तन बाजार स्थित राम जानकी मंदिर के नीचे अर्थी का सामान बिक रहा है। मंदिर के नीचे छोटी सी दुकान लगाकर अर्थी का सामान बेचने वाले ब्रजेश पटवा ने दुकान पर अर्थी में प्रयोग होने वाले कफन से लेकर लगभग सारी सामग्री बेच रहे हैं। ब्रजेश पटवा ने बताया कि शासन ने अति आवश्यक वस्तुओं में दूध, दवा, फल, सब्जी को आवश्यक दायरे में कर दिया है लेकिन जिन घरों में मौतें हो रही हैं उनके लिए अर्थी का सामान खरीदना भी बेहद जरूरी है। इस संकट भरे दौर में लोगों को मृत्यु का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है उनके मुताबिक अर्थी का सामान अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आना चाहिए। ब्रजेश पटवा ने यह भी कहा कि अपनी सारी जिंदगी में उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में अर्थी का सामान कभी नहीं बेचा। ब्रजेश पटवा, ब्रजेश जी, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, जनपद में भी लॉकडाउन है, इस परिस्थिति में आपने दुकान खोली हुई है, क्या बेच रहे हैं आप? हम यहाँ पे अर्थी का सामान बेच रहे हैं। कोरोना काल में जो पूरा वैश्विक महामारी फैली हुई है उसके कारण जो मौतें हो रही हैं, जिनको कफन नहीं मिल रहा है वो यहाँ से ले जाते हैं, कफन हम लोग बेच रहे हैं, कफन बेच रहे हैं, श्रृंगार का सामान है, ये जरूरी अति आवश्यक सामान है जो श्रृंगार का लगता ही लगता है शादी, मतलब अर्थियों में अर्थी का सारा सामान आप बेच रहे हैं? हाँ, सारा सामान बेच रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपने अच्छी उम्र जी ली, काफी आपको तजुर्बा रहा, इस दौर में जिस तरह से मौतें हो रही हैं, इससे पहले कभी आपने इतना सामान बेचा या इतनी मौतें देखी हैं? नहीं, कभी नहीं। हम यहाँ करीब करीब 40 सालों से बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो 40 सालों में ऐसा कभी भी, हम लोग यहाँ सामान बेचते हैं, श्रृंगार का सामान बेचते हैं, शादी उदी का भी सामान बेचते हैं, लेकिन ये अति आवश्यक सामान है। और आजकल इतना फोन आता है कि अर्थी का सामान चाहिए भैया, हमको मिल नहीं रहा है, तो हम मजबूरी में ये लगा के बैठे हैं जो हम चोरी से बेच रहे हैं सरकार की। आपने कभी इतनी अर्थियां देखी इतनी इस दौर में, इससे पहले कभी? कभी इस प्रकार की ना महामारी फैली और ना इस प्रकार की कफन वगैरह बेचे गए।
इतनी तादाद में, जितनी तादाद में बार कफन वगैरह बिक रहा है, इतना तादाद में कभी नहीं बिका। आर9 भारत के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।